हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले सूजी से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी चटपटा सा स्नैक्स की रेसिपी। इस स्नैक्स को आप एक बार बना करके महीने भर तक इसे खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कप सूजी। अब हम इसमें नमक डाल लेंगे। बहुत ज़्यादा नमक इसमें नहीं लगता है, हल्का सा नमक हमने इसमें डाल लिया है। आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाल लेते हैं। अजवाइन से ये काफ़ी अच्छी तरह से डाइजेस्ट भी होगा। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच ऑयल। इन सबको अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं हाथ से। फ्रेंड्स, ऑयल डालने से ये जो स्नैक्स बनेगा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा खस्ता बन करके तैयार होता है। तो ये देखिए, अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे मिलाते जाते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट सा हमें इसका डो जो है वो तैयार करना है। फ्रेंड्स, सूजी जो होती है वो बहुत ज़्यादा पानी सोख लेती है, तो इसलिए हमें इसे बहुत ही सॉफ्ट सा रखना है। फ्रेंड्स, जब हम इसे रेस्ट पर रखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा पानी सोख लेती है और ये थोड़ा सा जो डो है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, इसलिए हमें पहले से इसे सॉफ्ट सा रखना है। इस रेसिपी को बनाने के लिए आप मोटी वाली सूजी या बारीक वाली सूजी किसी का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हमने इसे रखा हुआ है। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट सा है ये। और इसे अच्छी तरह से मसलते हुए हमें इसे आटा लगाना है इसका, ये देखिए। तो अब हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जिससे सूजी जो है बिल्कुल अच्छी तरह से फूल जाएगी। तो इसे करीब 15 मिनट के लिए इसे हम रख देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे अब हम ढक देते हैं और इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो अब हम 15 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। तो ये जो हमारा डो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से फूल चुका है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से गूँथ लेते हैं। तो बिल्कुल अच्छी तरह से मसलते हुए इसे हमें गूंथना है, ताकि ये जो सूजी है बिल्कुल आटे की तरह ही डो इसका जो है तैयार हो जाए। ये देखिए, इस तरह से हम बिल्कुल मसलते मसलते इसे गूंथ लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे इस तरह से अच्छी तरह से हम चिकना होने तक इसे गूंथ लेते हैं और फिर इसकी लोई तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लोई तैयार कर लिए और अब हम इसे बेल लेते हैं। तो जैसे रोटी हम बेलते हैं उसी तरह से हम इसे बेल लेते हैं। जितना पतला आप इसे बेल सके उतना पतला इसे बेल करके तैयार कर लें। फ्रेंड्स, इसे बेलने के लिए ना ही हमें ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई मैदा या आटे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने इसमें मोयन डाला था, यानी कि गूँथते वक्त ऑयल का यूज़ किया हुआ था। तो अब हम इसे काट लेते हैं। तो आप अपने पसंद से इसे थोड़ा छोटा या थोड़ा सा लंबा लंबा रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से इसे लंबे शेप में काट लेते हैं और इस तरह से अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। ये देख सकते हैं इस तरह से। फ्रेंड्स, इस स्नैक्स की खासियत ये है कि आप इसे एक बार बनाएंगे और फिर जब ये ठंडा हो जाए तो इसे आप एयर टाइट कंटेनर में रखिए और महीने भर तक आप इसे खा सकते हैं। और हमने इसे मैदा से नहीं बनाया है, सूजी से बनाया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी हो जाती है। तो ये देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से काट लिया है और अब हम इसे एक प्लेट में रख लेते हैं। उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को भी हम मीडियम गर्म कर लेते हैं। थोड़े थोड़े बैचेस में हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसे डाल लिया है और आप इसका टेंशन ना लें कि ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इस तरह से अब हम झारे से इसे इस तरह से हिलाएंगे तो ये बिल्कुल अलग अलग सेपरेट हो जाता है। ये देखिए, ये धीरे धीरे जैसे जैसे पकते जा रहा है ये अलग होते जा रहा है, ये देख सकते हैं। और जब ये हल्का सिकने लग जाएगा तब इसे हम अलटते पलटते अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें। और इसे फ्राई करने के लिए आप लो मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई करें। तो इस तरह से अब हम इसे निकाल लेते हैं और अब हम इसे चटपटा बनाने के लिए इसमें मसाले डालेंगे। तो जब ये गर्म हो तभी हम इसमें मसाले डालेंगे, ताकि ये जो मसाले हैं इस स्नैक्स में बिल्कुल अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो हमने यहाँ पे चाट मसाला डाल लिया है और लाल मिर्च का पाउडर डाल लिया है। मिक्स कर लेते हैं इन सबको अच्छी तरह से।
तो ये अभी गर्म है तो मसाले जो है बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें कोट हो जाते हैं और इसका जो स्वाद होता है ना बहुत ज़्यादा चटपटा, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। ये देखिए देखने में भी ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, तो आप इसे एक बार बनाएं और इसे खाते रहें महीने भर तक। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी ये तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये सूजी से बनने वाला मसाला नमक पारे की रेसिपी? इसे आप नमक पारे या निमकी भी कह सकते हैं, और सूजी से बनने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी भी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।